अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब का नाम? मोहम्मद असलम जाहिद। शहर? बुच्चे की, ज़िला ननकाना। कितने अरसे से गोरमे की एजेंसी चला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी तकरीबन 8-10 साल से। ये तब नई नई बनी थी गोरमे गालिबन? जी मुझसे पहले एक बंदे ने तकरीबन 3-4 साल की, एक बंदे ने, उसके बाद से मेरे पास ही है। एजेंसी लेने का तरीका कार क्या है, मतलब इसको डीलरशिप कहते हैं, एजेंसी कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ही कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जी। ये सर कोई भी जो एरिया आपको मिलता है ना जी, किसी भी शहर में, उसके लिए आप किसी भी उस एरिया के मैनेजर से बात करते हैं, ZMO RSMO उससे मिलते हैं। तो अगर वो एरिया खाली होगा तो मिलेगी, अदरवाइज़ कोई बंदा पहले कर रहा होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर पॉसिबल जी, अगर वो पहले बंदा कर रहा होगा तो फिर नहीं मिलेगी, अगर खाली एरिया होगा तो आपको मिलेगी। जब मैंने ली थी तो पहले वाली पार्टी जो थी ना, वो खुद छोड़ चुकी थी। तो एरिया खाली था, क्योंकि मैं इससे पहले भी बेवरेज का काम करता रहा हूँ। तो ये कितने एरिया के लिए होती है डिस्ट्रीब्यूशन? ये सर जो तकरीबन 15-20 किलो की बाउंड्री, 15 से 20 किलोमीटर। जी जी। यानी एक शहर में कई डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं? एक शहर में अगर ज़्यादा एरिया बड़ा हो तो फिर दो भी हो सकती हैं, वरना एक ही है जी। छोटे शहरों में एक, छोटे शहरों में ज़्यादा। जी जी बिल्कुल। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेने का, यानी ZM या RSM से मिले, तो उसका तरीका कार क्या है, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए एजेंसी लेने के लिए? सबसे पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपकी मौशी सूरत हाल पे होती है कि कैसी है। स्टेटमेंट लेते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने जो ली थी हमसे 3 मिलियन की जो है ना जी इन्वेस्टमेंट, 3 मिलियन, 3 मिलियन से मैंने स्टार्ट किया था। आज से 10 साल पहले? 8-10 साल तो पहले। अब कितनी होगी? अब तो महंगाई का दौर है, आपको भी पता है सर, करोड़ रुपया होगा जी। इस वक्त मेरा जो सेटअप है वो तकरीबन 10 मिलियन में। 10 मिलियन जी। ओके, तो वो पैसे आपसे लेते हैं, आपके बैंक में होने चाहिए क्या, मतलब या सिक्योरिटी होती है? सर पहले तो इनका तरीक़ेकार बहुत अजीबोगरीब था गवर्नमेंट का जी। अच्छा। कि ये अपनी फैक्ट्री में कैश ही लेते थे। ओके। तकरीबन 1.5 से 2 साल मैंने जो है ना इनकी फैक्ट्री में ही कैश जो है ना डिलीवर करवाया खुद जाके, जो पेमेंट जो स्टॉक भी लेना था वो भी फैक्ट्री ही जाके लगवाता था। अच्छा। 1.5-2 साल ये बहुत ज़्यादा परेशानी रही मुझे, लाहौर जाना पड़ता था, कभी किसी इनके जो बेकरीज की शॉप होती हैं उधर जाना पड़ता था। लेकिन अब वो ऑनलाइन लेते हैं जी बैंक से। वेरी गुड। 2,50,000 रुपये मैंने, मतलब आज से 8-10 साल पहले जो है ना वो सिक्योरिटी दी थी। अच्छा। और 3 मिलियन की मेरी इन्वेस्टमेंट है। उस 3 मिलियन का आपको माल मिल गया? जी जी, उसका मुझे स्टॉक मिल गया। ये टोटल नकद करते हैं, उधार करते हैं, सिस्टम क्या है वैसे? सर 80% तो कैश ही है बेवरेज में, और कुछ दुकानदार होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिनका लेन देन ठीक होता है, उनको हम क्रेडिट पे दे देते हैं तकरीबन 1 टन के लिए, कफ्ते की टन के लिए। तो आपको भी उधार मिलता है पीछे से? नहीं सर, 1 रुपये का नहीं मिलता। टोटल कैश? टोटल पहले पेमेंट लगवानी पड़ती है, फिर माल आता है। 2 दिन बाद माल आ जाए, 1 हफ्ते बाद माल आ जाए, या उससे अगले दिन ही आ जाए। माल शॉर्ट भी होता है? सीजन में होता है जी। सबसे ज्यादा जो पैक चलता है आपके पास वो कौन सा है? जंबो साइज जो 2.25 लीटर बोतल है वो सबसे ज्यादा है? वो सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे लीटर है, और 1.5 लीटर बहुत कम सेल होता है हमारे एरिया में। एजेंसी को लुक आफ्टर या हिसाब किताब खाता वगैरह ये कौन चेक करता है, मतलब? मैं खुद ही चेक करता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से कौन करता है? गवर्नमेंट की तरफ से जो वो तो स्टॉक वेयर हाउस का स्टॉक वगैरह चेक करते हैं। अच्छा। कि वेयर हाउस में स्टॉक कम से कम जो है ना वो 7 डे तो स्टॉक होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। ओके। तो जो उनके ऑफिसर्स हैं ZM या RSM, वो उनका आपके साथ क्या ताल्लुक होता है? कैश तो वो है जो आपने ऑनलाइन लगवा दिया, इनवॉइस वहाँ से आ गई, तो उनका बीच में फिर क्या किरदार है? उनका किरदार सर यही है कि उनका जो चलना होता है ना जी, जो उनका निज़ाम चल रहा होता है वो हमारी सेल्स के ऊपर ही चल रहा होता है। वो हमें मंथली टारगेट देते हैं। वो आपको टारगेट सेट करके कंपनी, मतलब वो RS में जो आपस में वो मैनेज करते हैं पहले। ओके। और जो ZM होता है ना वो फिर उसके पास 5 एजेंसियां 10 एजेंसियां वो फिर उन्हें कन्वर्ट करके टारगेट देते हैं। बेसिकली सेल्स जनरेट करवाना उनका काम है। जी जी।
टारगेट अचीव करवाना। टारगेट हर मंथ का टारगेट होता है, चाहे वो दिसंबर का हो, जनवरी का हो, कुछ भी हो। और सारे साल का बराबर होता है या सर्दियों में कम हो जाता है? कम हो जाता है, अब सेलें डाउन हो रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना टारगेट वो कम होते जा रहे हैं। तो वैसे पीक सीजन जो होता है जैसे जून जुलाई अगस्त, बहुत जबरदस्त सेलें निकलती हैं माशाल्लाह। इस साल मैंने जो पिछले 2021 में जितना मैंने स्टॉक उठाया था ना जी पूरे साल में, तो वो मैंने 8 मंथ में मैंने पूरा कर लिया माशाल्लाह। यानी पिछले साल की निस्बत इस साल बिजनेस अच्छी सेलें निकली, क्योंकि ईदें जो आ गई हैं ना जी वो आ गई हैं दोनों गर्मियों में आ गई हैं, छोटी ईद भी और बड़ी ईद भी। बचत का मार्जिन क्या है, मतलब 2.25 लीटर आपको कितने की मिलती है आप आगे कितने की दे रहे हैं? 6% देते हैं वो कंपनी, अदरवाइज जो होलसेलर हैं वो हम खुद अपनी तरफ से ना डिस्काउंट करके जो है ना स्टॉक देते हैं। अच्छा मार्जिन है, जो बेसिक जो इंसेंटिव पे हमारा जो है ना निज़ाम चलता है, टारगेट अचीव करेंगे तो अच्छा इंसेंटिव मिल जाता। अच्छा, वो इस 6% के अलावा होता है? जी जी, वो अलग से होता है। कितना हो जाता है? देखें जी, अगर मैं कम से कम भी सेल करूं तो जो अच्छे महीने होते हैं वो 25,000 से 30,000 जो पैटर्न वो सेल करता हूँ महीने में। और उस पर क्लब मतलब कुछ उन्होंने टारगेट आप ऐसे बना दें कि पहले 10 दिन में उठाओगे तो इतना इंसेंटिव है, अगले 10 दिन में उठाओ तो इतना इंसेंटिव है। वो अलग से है। जो मंथली बेस इंसेंटिव होता है वो तकरीबन 4 रुपये है फी पैक्ट, 4 रुपये ठीक है। और जो दूसरे अगर जो हम मतलब करते हैं इंसेंटिव 10 दिन में इतना उठा लिया उस पर 4-5 रुपये अलग से होते हैं, मतलब 1.5-2 लाख रुपया जो है 25,000 पैट पे वो बन जाता है 1.5 लाख करोड़। ये बताएं कि मटेरियल वो पहुंच देते हैं आपको ऐसे ही? जी जी पहुंच। और आगे सप्लाई के लिए आपने अपनी गाड़ियां रखी हैं? गाड़ियां रखी हैं। तो पिकअप वगैरह हैं, शेजोर हैं? शेजोर भी है, रिक्शा भी है, अब तो 2 गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने स्टाफ होना चाहिए एक अच्छी एजेंसी चलाने के लिए? ये छोटा से छोटा भी जो सेटअप है, जो मैं तो अपना सेटअप छोटा ही समझता हूँ क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है, 1,30,000-35,000 का वॉल्यूम है सालाना मेरा, 4 से 5 बंदे होने जरूरी हैं। 1,30,000-35,000 पेट? जी जी, ये सालाना है मेरा सालाना। ठीक है जी, तो ये बताएं कि जो आपको तो नकद मिलता है जी जी, तो दुकानदारों के पास आपको जाना होता है या दुकानदार आपके पास आते हैं? नहीं, सेल वाली गाड़ियां भी जाती हैं, काउंटर सेल भी होती है। काउंटर सेल भी होती है जी जी। तो रिकवरी कैसे होती है जिनके साथ उधार हो जाता है? वो नेक्स्ट वो बता रहा हूँ कि अगर 1 हफ्ते की टर्न बाय टर्न चल रहा होता है ना निज़ाम, तो वो कम बहुत कम दुकानदार हैं जिनसे हम लेन देन करते हैं, अदरवाइज कैश पे ही ज़्यादा। पैसे डूबे भी हैं? काफ़ी डूब गए, तकरीबन 15 लाख तो डूब चुका है अब तक। वो डूबता कैसे है मतलब? सर जी वो ऐसे ही होता है ना जी कि कुछ दुकानदार छोड़ गए, कुछ दुकानदार कहते हैं कि बस जी यार उसे छोड़ दो जो पिछला खड़ा हुआ है, आगे हम आपके साथ चल रहे हैं। पिछला क्यों छोड़ दे, मतलब वो हराम के पैसे? पता नहीं, ये आज तक समझ नहीं आई, जो खड़े हैं वो खड़े ही हैं। अच्छा, आज से जो, लेकिन अब ऐसा है कि अब नहीं, नए पैसे हम मार्केट में लगा रहे हैं, पीछे से रिकवर कर रहे हैं जो पहले लगे हुए थे, अब नहीं कर रहे। तो क्या सीखा है उधार के मुतल्लिक? उधार तो जी बहुत ज्यादा टेंशन है, कैश पे काम करें, थोड़ा कर लें कैश पे करें। उधार कारोबार की मौत है। बिल्कुल ऐसे ही, 100%। जो स्टाफ रखा हुआ है उसमें आपको रिक्वायर्ड स्टाफ क्या होता है, मतलब एक तो गाड़ियों के ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर हो, लोडर अच्छा बंदा हो, लोडर साथ ही सेल्समैन अच्छा बंदा हो। एक गाड़ी के साथ कितने बंदे होते हैं? मैं फिलहाल 2 ही बेचता हूँ, एक ड्राइवर और एक लोडर, वो दोनों ही लोडर वाला भी काम कर लेते हैं सेल्समैन वाला भी। और इनकी तनख्वाहें होती है या इनके भी इंसेंटिव होते हैं? इनके इंसेंटिव कंपनी भी देती है सेल्स पे, सेकेंडरी सेल पे देते हैं, हमारा प्राइमरी भी होता है। ओके, इनका सेकेंडरी भी होता है जो उन्होंने सेल करना होता है कंपनी के मुताबिक, तो कंपनी से भी इंसेंटिव मिलता है, हमसे वो तनख्वाह लेते हैं। तो कैश कलेक्शन यही स्टाफ करता है या वो अलग बंदा रखा हुआ है? वो मैं खुद ही करता हूँ। आप खुद ही दुकानों से? जी नहीं नहीं नहीं, हाँ। दुकानों से वो खुद करके लेते, मैं हिसाब किताब इनसे करता हूँ। अच्छा, हिसाब किताब आप इनसे करते हैं? इनसे करते हैं, सेल्समैन से। ओके, तो पुराने बंदे ज़्यादा अच्छे होते हैं या नए? मेरे पास हो तो जी पुराने बंदे ही चल रहे हैं फिलहाल 8-10 साल से। वही जब नया बंदे को जी बहुत मुश्किल आती हैं, लेकिन पुराने बंदे जो होते हैं ना वो पेती हो जाते हैं वैसे काम के, बहुत ज्यादा काम चोर भी हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस कारोबार में लेबर की तंगी का आंसर कितने फीसद शामिल है? सीजन में प्रॉब्लम बनती है, अदरवाइज इतनी मुझे तो भी फिलहाल नहीं करनी। मुझे ये बताएं 6% आपको बचता है, उसमें से आपने होलसेलर को दे के
दुकानदार को भी इसी 6 में से देते हैं? नहीं, जो रिटेलर है ना जी, उस पर तो 6% तकरीबन पूरा ही आ जाता है। अच्छा, 6% रिटेलर का अलग है। हाँ, तो जो होलसेलर है ना, कंपनी का एक ही रेट है। कंपनी नहीं बेनिफिट देती कि आप होलसेलर को जो है ना, मतलब हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो वो अपनी तरफ से देना अपने 6 में से दे, अपने 6 में से दे, उसे 2% दे दें, 3% दे दें, वो अपनी जेब से देना। सिर्फ रिटेलर को 6% देते। हाँ, रिटेलर। यानी ऐसा समझो कि आपके पास जो माल पहुंचता है उस पर 12% होता है, उसमें से 6 चला जाता है रिटेलर को और 6 आपके पास, ऐसे ही? जी बिल्कुल। नहीं, रिटेलर को तो सर ज्यादा जाता है। रिटेलर को कितना चला जाता है? रिटेलर का ज्यादा मार्जिन है सर, तकरीबन 10% है मेरे पे। 10% वो कंपनी देती है, आप नहीं? कंपनी नहीं, नहीं नहीं, हम नहीं देते, वो कंपनी देती है। ये वो कैसे हिसाब किताब तो आपके साथ ही होगा ना उनका? सर, हमने तो जो स्टॉक आना होता है ना जी, उस पर हमारा 6% मार्जिन है। ठीक है, ठीक है। वो आगे कंपनी के रेट एक बोतल फिक्स और प्राइस ऊपर लिखी होती है, वो ऑलरेडी तय है कंपनी की तरफ से। ओके ओके। और आज अगर किसी ने एजेंसी लेनी हो तो कितना पैसा उसके पास होना चाहिए? एवरेज के लिए तो सर देखें, ये लोकल ब्रांड ही है, पाकिस्तानी ब्रांड है, तो इसके लिए भी छोटे से छोटे 7-8 मिलियन तो ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा कम करना चाह रहे हैं तो 3-4 मिलियन से भी चल जाएगा, लेकिन फिर वो कंपनी जो है वो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं आपके साथ। अब वो उसको कम इन्वेस्टमेंट में जो ना जी, वो काम नहीं होगा, उसको पता लग जाएगा कि ये फाइनेंशियली वीक है। जी बिल्कुल, फाइनेंशियली वीक बंदों के साथ नहीं चलती कंपनियां। लेकिन अब रेट, अब 8-10 साल पहले रेट बहुत कम थे, जो 85 रुपये वाली बोतल थी अब 80 रुपये में सेल हो रही है। अच्छा, इस बिजनेस मॉडल में कंपनियां तंग करती हैं डिस्ट्रीब्यूटर को या डिस्ट्रीब्यूटर तंग करता है कंपनी को? देखें, जो तो काम वाला बंदा है डिस्ट्रीब्यूटर, वो तो तंग नहीं करेगा जिसने काम करना है, अदरवाइज कंपनियां हर वक्त ब्लैकमेल जरूर करती हैं बंदे को। 10 साल में कभी आपने भी कंपनी को ब्लैकमेल किया? मैंने तो शायद 1-2 दफ़ा किया होगा लेकिन कंपनी हर महीने करती है। कंपनी हर 10 दिन बाद करती है, हर महीने करती है। उनका तकाजा क्या होता है? बस सेल्स पे टारगेट करें, क्योंकि जो सेल्स मैनेजर होता है ना जी, उनका जो लगा होता है ना इंसेंटिव लगा होता है हमारे टारगेट पे, हमारा टारगेट होगा तो उनको अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे, अदरवाइज उनकी तनख्वाहें मेरे हिसाब से बहुत कम होती हैं। तो पैसे इनकी जो जाते हैं कंपनी को, वीकली जाते हैं, 10 दिन बाद जाते हैं या साथ के साथ? हमारी मर्जी होती है जी, हमने 2-3 दिन बाद ऑनलाइन लगवा देते हैं। कभी इन 10 सालों में कंपनी के पैसे आपके नीचे आए हों? कंपनी के पैसे तो 1 दफ़ा भी सर नीचे नहीं आए। यानी उन्होंने मेरे ही सर हर वक्त जो है ना, वो तकरीबन 8-10 से 20 लाख उधर पड़ा ही होता है। नया बंदा अगर कोई आना चाह रहा हो इस फील्ड में तो क्या मशवरा देंगे? बिजनेस अच्छा है लेकिन इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होनी चाहिए, बचत भी उसी हिसाब से। मार्केट में बगैर तजुर्बे के मार्केट में नहीं आना चाहिए। ये तजुर्बा कहाँ से हासिल करें? नया काम करके किसी एजेंसी पे? हाँ जी बिल्कुल। तो एजेंसी वाले रख लेते हैं मतलब? जी जी रखते हैं सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने अच्छी मालूमात दी, लोग इसके बारे में सुनना चाहते थे। थैंक यू। अस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।